हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और न्यू सोलो वर्सेस स्क्वाड के वीडियो में। फ्री फायर के इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं 5 सोलो वर्सेस स्क्वाड मैचेस, जिसमें से पहला मैच हमने स्टार्ट कर दिया और रिफाइनरी पे उतरने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितने ज़्यादा बंदे उतरे हैं, भाई साहब बंदों का मेला लगा है। तो जल्दी से नीचे उतरते हैं और गन्स उठाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आज फ्री फायर ने हमारी किस्मत में कौन सी गन्स लिखी है। अरे भाई वो रही सामने गन, जल्दी से उठा लेते हैं। अरे भाई ये तो कार 98 है, जिसे चलाना हमें बिल्कुल नहीं आता, शॉर्ट रेंज भी मिल चुकी है। अरे भाई थॉमसन पड़ी है, जी हाँ थॉमसन उठा लेते हैं, क्योंकि भाई थॉमसन हमें चलाना थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन वो वाली गन हमें इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है। ओ भाई MP40, बहुत ही बढ़िया वाली MP40 उठा ली है, तो जल्दी से ऊपर चलते हैं। तो जल्दी से ऊपर चल के बंदों को देखते हैं कहाँ पे है बंदे। वो रहा सामने भाई, भाग रहा है, एक गोली मारते, अबे यार मिस हो गई। तो चलो इस साइड से मारने की कोशिश करते हैं, अबे यार कहाँ एम लग रहा है, चलो फायर करते हैं। लेकिन भाई वो बंदा किसी से फाइट कर रहा है पक्का, अबे यार ये किसी को मार रहा है और मेरी गोली उसे टच भी नहीं हो रही है, क्या करें। बहुत कोशिश की लेकिन भाई कार 98 का प्रो प्रदर्शन दिख रहा है, कार 98 चलाना ही नहीं आता हमको। कोई बात नहीं यार, नहीं आता तो हम सीख लेंगे, धीरे धीरे सीख लेंगे। लेकिन उस बंदे को, ओ भाई मुझे डैमेज पड़ा, कहाँ से पड़ा, लेकिन भाई साहब उसने हमें ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम रिवाइव होके फिर से वापस आ चुके हैं। तो जल्दी से नीचे चलते हैं और उसी जगह पे उतरेंगे जहाँ पे उस बंदे ने हमें मारा था। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे पास गन्स बिल्कुल नहीं है, तो जल्दी से, ओ भाई बढ़िया वाली AN-94 हमारे हाथ लग चुकी है। ओ भाई एक बंदा यहाँ पे बैठा है, भाई इसको मारा और भाई हेडशॉट छोटा सा पड़ा, लेकिन भाई बंदा डाउन हो चुका है। तो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, भाई साहब हेडशॉट से ख़त्म हो गया। ओ भाई पीछे से भी बंदे ने मुझे डैमेज कर दिया है, यहाँ पे हम थोड़ा सा हीलिंग बैटल कर लेते हैं, तो हमने मेडिकिट खा ली है। तो फिर से हम हो चुके हैं ताज़ा तंदुरुस्त और देखते हैं बंदे कहाँ से मार रहा है, भाई सामने से मार रहा है, जल्दी से वहाँ पे चलते हैं। क्योंकि हमारे पास अब लूट तो अच्छी सी है, लेकिन भाई AN-94 चलाना थोड़ा मुश्किल काम तो है मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, सीखते हैं, देखते हैं क्या होता है। सामने है वहाँ पे ऊपर बंदा, अरे भाई उसने मुझे देख लिया लगता है, अभी मैंने उसको डैमेज किया, लेकिन भाई गोली इतनी ज़्यादा मारने के बाद उसने ग्लोवल का कवर ले लिया, लेकिन एक बंदा उसके पीछे भी उतरा है। अरे यार इसने ग्लोवल नहीं लगाया होता तो हम उसे मार सकते थे, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, अब तो वेट ही कर सकते हैं। अरे भाई उधर एक और बंदा है, देख रहे हो खड़ा है, इसको गोली मार के देखते हैं, चलो। अबे यार ये तो डाउन हो गया, लेकिन भाई गोलियां इस साइड से भी आ रही है, जल्दी से उसको मारा, लेकिन उसने ग्लोवल ऊपर से इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया उस बंदे ने, भाई बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है। ग्लोवल लगा के मेडिकेट कर लेते हैं। अरे यार वो तो कैरेक्टर का यूज़ करके यहीं पे आ रहा है, ऐसा थोड़ी चलता है, भाई तू यहाँ क्यों आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, मुझे पक्का पता है। और हम आ चुके हैं कवर से बाहर उसको मारने के लिए, भाई साहब उसने मारा और हम ख़त्म। मैच नंबर 1 की समाप्ति हो चुकी है और मैच नंबर 2, तो यहाँ पे हमारा मैच नंबर 2 शुरू हो चुका है। और मैच नंबर 2 है बरमुडा, जी हाँ बरमुडा पे हम उतरेंगे क्लॉक टावर पे, क्योंकि क्लॉक टावर पे बढ़िया सी लूट होती है। जल्दी से नीचे उतरते हैं, तो सबसे पहले हम उतरेंगे गन्स के पास, जी हाँ। तो यहाँ पे हमारे हाथ लग चुकी है M4A1। उस तरफ नीचे की तरफ एक और बंदा उतरा है, लेकिन उसकी तरफ अभी ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि ऊपर बंदों के बीच में फाइट चल रही है। तो जल्दी से एक और गन ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई हमें 2 गन्स चाहिए। तो यहाँ पे तो और गन्स नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे ऊपर कोई गन हो तो देख लेते हैं, शॉर्ट रेंज गन हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो बहुत देरी के बाद हम ढूंढने के बाद कोई भी बंदे ना मिलने की वजह से यहाँ पे आ चुके हैं, और इस बंदे को SKS की एक गोली मारी 2, और भाई हेडशॉट के साथ बंदा डाउन हो चुका है, लेकिन भाई उसको ख़त्म कर दिया। और देखते हैं उसके लूट बॉक्स में क्या है, जल्दी से लूट लेते हैं। वैसे फैक्ट्री पे बंदे हो सकते हैं, और भाई देख सकते हैं वहाँ पे एक बंदा है ऊपर, उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई एक ही गोली का बंदा बचा है, और कहाँ गया वो बंदा, गया तो गया किधर, और उसने हमें ख़त्म कर दिया। और हम रिवाइव होके फिर से यहाँ पे क्लॉक टावर पे वापस आ चुके हैं। तो जल्दी से नीचे उतरते हैं और बढ़िया सी गन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे हमारे हाथ कोई भी गन नहीं लगी है,
छुट्टी वाली गन यूजी, जी हाँ यूजी बोलते हैं ना, वो वाली गन लगी है। तो यहाँ दूसरी गन भी ढूंढ लेते हैं। ऑग हमारे हाथ लग चुकी। वैसे सबसे पहले हम यहीं पे उतरे थे, लेकिन वहाँ फैक्ट्री पे जाने की वजह से हमें फिर से रिवाइव होके आना पड़ा, फिर से क्लॉक टावर पे ही आ चुके हैं। तो ऊपर शायद बंदे हो सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे बंदे आते जाते रहते हैं। और वो बंदा क्या कर रहा है भाई? तो सबसे पहले इसको ख़त्म करते हैं। वो भाई बंदा नॉक हो गया, बड़ी ऐसा हेडशॉट लगा। वो भाई ऊपर से डैमेज पड़ रहा है भाई, कहाँ से मार रहे हो तुम? ओ भाई ये रहा, इसको भी मारेंगे, बढ़िया। और वो भी नॉक हो चुका है। अरे भाई यहाँ तो एक और बंदा आ गया, इसको तो मारेंगे, लेकिन भाई कहाँ पे गोली लग रही है। मैच ख़त्म, मैच नंबर 3 शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे हमने मैच नंबर 3 भी शुरू कर दिया है। जल्दी से नीचे उतरते हैं और देखते हैं बंदे कहाँ पे है। तो यहाँ से उतरेंगे रिफाइनरी पे। ओ भाई कहाँ ऊपर उतर गए यार, नीचे उतर जाते हैं। कोई बात नहीं, डैमेज नहीं पड़ा तो हमारे हाथ बड़ी ऐसी गन्स लग चुकी है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बंदे कहाँ पे है। यहाँ कहीं तो बंदे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन उधर फायरिंग का साउंड दिख रहा है। तो जल्दी से वहाँ देखते हैं बंदा कहाँ पे है। चलिए इधर से चलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे बंदे ने हमें नहीं देखा है। और वो रहा बंदा, इसको मारा भाई, ख़त्म, बढ़िया। एक को तो ख़त्म किया, और ऊपर से भी बंदा आ चुका है भाई, उसको भी मारा, वो भी डाउन हो चुका है। बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको डाउन कर दिया। अभी अभी हमने जो मेडिकेट उठाई थी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और भाई देखते हैं बंदे, और एक और बंदा, उसको मारा लेकिन भाई ग्लूवल लगा दी। कोई बात नहीं, हमारे पास है बर्फ़ का गोला, हम उसे मार सकते हैं। अभी उसको दिखाते हैं बर्फ़ के गोले का पावर। लेकिन भाई बंदा को तो कुछ हुआ ही नहीं। उस बंदे के पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि भाई वो हमारा ही इंतज़ार कर रहा होगा, और हमें पता भी नहीं है कि वो बंदा कहाँ पे छुपा है। तो यहाँ से चल सकते हैं वैसे, क्योंकि इस तरफ से उसने हमारा वेट बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। तो जल्दी से इस साइड से चलते हैं, क्योंकि उस साइड तो भाई दरवाज़ा बंद था, तो इस साइड दरवाज़ा खुला था, तो इस साइड से आ गए। लेकिन वो बंदा कहाँ पे है, नीचे बैठ के देखते हैं, कहीं तो नज़र आएगा। वो रहा भाई, वहीं पे था। अरे भाई वो नीचे आ गए और हमें ख़त्म कर दिया, और हम रिवाइव होके फिर से उसी जगह पे आ चुके हैं। इतने ऊपर से कूदने के बाद अच्छा है हमारी हड्डियाँ नहीं टूटी है। जल्दी से छोटी मोटी गन उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास एक भी गन नहीं है। और सामने बंदे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक युद्ध कर रहे हैं, यहाँ पे भी गन नहीं है भाई, कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। और मैंने मारा और भाई बंदा डाउन हो चुका है। ये छोटी वाली यूजी बहुत ही काम की निकली भाई, इस बंदे को भाई 2 गोली में डाउन कर दिया। लेकिन हमारी HP बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, तो जल्दी से बॉनफायर लगा के हीलिंग कर लेते हैं। यहाँ बैठ के हीलिंग करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि भाई बंदे यहाँ पे रिवाइव करने भी आ सकते हैं। तो जल्दी से यहाँ आके कोने में हीलिंग कर लेते हैं। और भाई दुश्मन का नाम लिया और दुश्मन हाजिर हो गया। अरे यार भाई तू भाई कहाँ से आ जाते हो भाई, हम ख़त्म हो चुके हैं। तो आज के 3 मैच ख़त्म हो चुके हैं और हमने लगा लिया है मैच नंबर 4। मैच नंबर 4 शुरू हो चुका है, मैप लगा है बरमुडा। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अच्छी सी जगह देख के नीचे उतरते हैं। हम उतरेंगे क्लॉक टावर पे, क्योंकि क्लॉक टावर हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जल्दी से नीचे उतर जाते हैं। हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे बंदे भी हो सकते हैं। जल्दी से गन उठा लेते हैं, और यहाँ पे बढ़िया सी गन छोटी वाली मिल चुकी है। यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ आ रही है, उसके पास चलते हैं। अरे भाई ये तो लाल वाला बंदा है, इसको मारा लेकिन भाई उसने बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिया है। हमारी एक गोली उसके लिए काफ़ी थी, जो कि हमने आखिरी में मारी, क्योंकि पहली गोली तो भाई उसको भाई टच भी नहीं कर रही थी। और बॉन फायर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके बंदे भी आ सकते हैं। इस बार तो यहाँ पे कोई भी गन मौजूद नहीं है भाई, किसी ने हमारा किल चुरा लिया है, ऐसा थोड़ी चलता है यार। कोई अकेला बंदा एक किल करता है, वो भी तुम चोरी करते हो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मेरी जान, किल चोरी मत करो। तो चलो जल्दी से घर में घुस जाते हैं और बढ़िया सी लूट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी फेवरेट M4A1 हमारे हाथ लग चुकी है। जल्दी से इस साइड चलते हैं और बंदों की तलाश करते हैं। यहाँ तक तो मुझे कोई बंदे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बंदे हो सकते हैं, क्योंकि क्लॉक टावर ऐसी जगह है जहाँ पे भर भर के, मतलब आप बोल सकते हैं कि गाड़ियाँ भर भर के बंदे यहाँ पे उतर जाते हैं। और यहाँ पे एक बंदा था, उसको मारा भाई, हेडशॉट भी पड़ा, लेकिन वो कितनी तेज़ी से भागा। तो जल्दी से उसका पीछा करते हैं। क्या कर रहा है भाई, मेडिकेट नहीं करनी है, हम हैं यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए।
दूसरा बंदा भी आ गया, उसने हमें ख़त्म कर दिया और हम फिर से रिवाइव होके वापस आ चुके हैं। हमें जल्द से जल्द लूट करनी होगी क्योंकि बंदों के पास गन्स का भंडार पड़ा है और हमारे पास अच्छी वाली गन्स भी नहीं है। मेडिकेट भी उठा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। बढ़िया बात है, हमें शॉर्ट रेंज भी मिल चुके हैं और अब ऊपर चढ़ जाएंगे। अरे भाई पीछे से डैमेज पड़ा है, कौन है भाई? अबे रुक यार, अब इसको मारा लेकिन भाई हमारी HP बहुत ही कम है, तो जल्दी से मेडिकेट कर लेते हैं और यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास मेडिकेट ही नहीं है भाई। तो जल्दी से नीचे जाके लूट करते हैं, शायद हमें मेडिकेट मिल जाए। अरे भाई उस बंदे ने इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया, यहाँ पे तो थोड़ी बहुत लूट पड़ी है। अबे मेडिकेट भी है और स्कार भी है, सबको उठा लेते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ ऊपर देखते कुछ है तो नहीं। अबे भाई गोली कहाँ से पड़ रही है? अबे ये रहा, इसको मारा लेकिन मारने की कोशिश में हम ख़त्म हो चुकी है। मैच नंबर 4 ख़त्म, तो मैच नंबर 5 शुरू हो चुका है। तो जल्दी से हम आ चुके हैं प्लान के अंदर और उतरेंगे बीचों बीच। तो हम आ चुके हैं बिल्कुल बीचों बीच मैप के और यहाँ पे देखते हैं बंदे कितने उतरे हैं। जल्दी से नीचे उतरते हैं और गन उठाने का प्रयत्न करेंगे। हमारे हाथ लग चुकी है ऑग और साथ में बहुत ही ज़्यादा बंदे। जल्दी से नीचे उतरते हैं क्योंकि भाई बंदे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उतरे थे लेकिन मुझे अभी तक कोई बंदा क्यों नहीं मार रहा, पता नहीं वो लूट में व्यस्त। ओ भाई एक बंदा दिखा मुझे, जल्दी से उसके पास चलते हैं। वो कहाँ भागने जा रहा है? वो रहा सामने, लेकिन भाई भाग रहा है। अबे रुक जा, कहाँ भाग रहा है भाई? गोली ही नहीं छू रही उसको। तो चलो ये शॉर्ट रेंज वाली गन को ट्राई करते हैं। अबे यार 2-3 गोली लगी, भाग रहा है भाई। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ, भागने की ज़रूरत नहीं, हम पीछे आ रहे हैं। अबे मारा लेकिन भाई हेड शॉट। लगता है वो भी हमारी तरह सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था लेकिन उसे हमने सीधा ऊपर रिवाइव करने के सिस्टम में भेज दिया है, तो यहाँ पे तो वो नहीं आ सकता लेकिन वो बदला लेने की कोशिश के साथ वापस ज़रूर आ सकता है। तो जल्दी से हीलिंग कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें और भी बंदों की तलाश है और हमें लूट भी करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास लॉन्ग रेंज गन इतनी भी बढ़िया नहीं है जो कि बंदे को दूर से डैमेज कर सके। लेकिन यहाँ पर तो भाई लॉन्ग रेंज के नाम पे ये बैग ही पड़ी है भाई, बैग उठा लेते हैं क्योंकि उसमें सामान भरने को काम आएगा। यहाँ पे तो कोई बंदा नज़र नहीं आया, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बंदे कहाँ पे है और हमें थोड़ी बहुत लूट की भी ज़रूरत है। सामने मेडिकेट पड़ी है और भाई फायरिंग के भी निशान आ रहा है लेकिन बंदा कहाँ पे है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो चलो इस घास का कवर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। बंदे कहाँ पे है? यहाँ कहीं तो फायरिंग की आवाज़ आ रही थी लेकिन बंदे नज़र नहीं आ रहे, कहाँ पे है यार? पता नहीं यार ये बंदे गोली मार के कहाँ गायब हो जाते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं। यहाँ से वेस्ट उठा लेते हैं, लेवल 3 का वेस्ट था तो गोली थोड़ी सी कम लगेगी, डैमेज कम पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर अच्छा अच्छा लूट है वो सब उठा लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर और कुछ हो तो उठा लेते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसे लेवल 1 का है, फ्री में मिल जाएगा, उठा लेते हैं। अरे भाई कहाँ से डैमेज पड़ रहा है, ठीक से लूटने भी नहीं देते भाई, ख़त्म। और रिवाइव होके फिर से हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं आपके सामने। यहाँ पे तो बढ़िया सी लूट पड़ी है भाई, बहुत ही बढ़िया बढ़िया गन्स मुझे मिल चुकी है, वो भी लेवल 1 की। तो देखते हैं बंदे कहाँ पे है, यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा है भाई। अबे पीछे से मारा है भाई, रुक जा, कहाँ से मारा है? उसे डैमेज कर दिया, बहुत ही बढ़िया डाउन हो गया। जल्दी से इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि भाई इसके बंदे भी आ सकते हैं और इसको लूट भी लेते हैं। अबे यार दूसरा बंदा, इसको बढ़िया सा हेड पड़ा और बंदा ख़त्म, डाउन हो चुका है, ख़त्म अभी तक नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिया यार। मेडिकिट है हमारे पास तो जल्दी से हील कर लेते, लेकिन ये बंदा कहाँ गया? अरे यार छुप रहा है। अरे भाई रिवाइव हो चुका है। भाई यार क्या कर दिया तुम लोगों ने भाई, ये मेरा किल ले लिया। अरे यार ये तो खड़ा हो चुका, इसको मारा लेकिन भाई ख़त्म, हम ख़त्म हो चुके। तो आज के हमारे सोलो वर्सेस स्क्वाड के 5 मैचेस खत्म हो चुके हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।